नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News में आपका स्वागत है। बात हम यहां पर करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो बताते चलें आपको कि इस वक्त यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। राजस्थान में आने के बाद यहां पर तमाम जो नेता हैं जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहाँ पर स्वागत करने पहुँचे हैं, जिसमें कि यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ साथ तमाम नेताओं को देखा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो सबसे पहले पहुँची थी वो धौलपुर में पहुँची थी, और धौलपुर पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों के साथ कई तरह के अन्याय हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आर्थिक और सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में सिर्फ 2-3% लोग ही मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्थान में यात्रा का स्वागत करने के लिए धौलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि देश में कई तरह के अन्याय हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हम देश के सामने यह बात रखना चाहते थे कि देश में केवल 2-3% लोग ही मुनाफा कमा रहे हैं और आम लोगों को प्रगति का कोई लाभ नहीं मिल रहा। बताते चले आपको कि यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन करने कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ सकती हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से तब से नाराज चल रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान का CM नहीं बनाया। तब से वसुंधरा राजे या खुद को दरकिनार ही मानती नजर आ रही हैं। दरकिनार के बीच क्या यहाँ पर वाकई में वसुंधरा राजे अगर राहुल गांधी का स्वागत या फिर राहुल गांधी की इस यात्रा को समर्थन करने आती है, तो ये बात तो तय है कि वसुंधरा राजे अब जल्द ही यहाँ पर दल बदलती नजर आएंगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।